हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज जो क्वेश्चन है, कुछ इसमें आसान हैं और कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के हैं, और इसके साथ ही आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वहाँ से भी निश्चित रूप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कल को दोस्तों जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी हिंदी की। हिंदी कल को 20 या 25 क्वेश्चन या फिर 30 जितने होंगे वो कल को आपके लिए साहित्य से भी और अलंकार भी, क्योंकि इस अलंकार नहीं पूछा है, अब अलंकार भी सिलेबस में है। सभी लोग साहित्य पढ़ रहे हैं और अलंकार के क्वेश्चन आ गए, तो अलंकार भी कल को एक दो। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बाकी कल को हिंदी की आएगी और आज उत्तराखंड के, तो शुरू करते हैं। यह है हमारा दोस्तों आज पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ये आपको बताना है। कल भी आया था दोस्तों ये प्रश्न, आज इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। सबसे बड़ी परियोजना है कोटली भेल, विष्णु प्रयाग, मनेरी भाली या फिर टिहरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी, और भागीरथी और भिलंगना नदी के ये संगम पर है, सबसे बड़ी हो जाएगी टिहरी। मनेरी भाली दोस्तों ये दो हैं, मनेरी भाली फर्स्ट जिसको बोला जाता है तिलौत, दोनों उत्तरकाशी में है, भागीरथी नदी पर है, ये आप याद रखेंगे, नदी पर पूछा जा सकता है। तिलौत पहली है और दूसरी है धरासू, और ये है हमारी उत्तरकाशी में, किस नदी पर है, तो ये हो जाएगी दोस्तों भागीरथी नदी पर। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना ये है कहाँ, ये है चमोली में। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना कहाँ है, एग्जाम में आएगा तो चमोली में है। किस नदी पर है, तो सबको बताया कि ज़्यादातर अलकनंदा पर ही होती हैं, क्योंकि अलकनंदा मुख्य नदी है, अलकनंदा पर है। मेगावाट भी पूछा जा सकता है कि कितने मेगावाट की है, तो दोस्तों ये 650 मेगावाट की है, तो ये भी आप याद रखिएगा, 650 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की, कोटली भेल परियोजना, दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये है कहाँ, ये है टिहरी जनपद में, टिहरी में है, और किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है। और कितने मेगावाट की अभी बनी नहीं है, 1000 मेगावाट की ये है, चल रही है, इस पर अभी काम चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1000 मेगावाट, ये आप याद रखेंगे। बाकी टिहरी के बारे में आप सबसे ज़्यादा टिहरी के बारे में ही जानते होंगे, क्योंकि ये जीके में भी आता है और जगह भी। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एयर एम्बुलेंस डेमो कहाँ शुरू किया गया था, ऋषिकेश में, नैनीसैनी में, केदारनाथ में, सहस्त्रधारा में। अब सहस्त्रधारा दोस्तों कहाँ है, ये है देहरादून में, तो ये देहरादून में ही शुरू किया गया था पहला एम्बुलेंस, या फिर उत्तराखंड दे देगा, मध्य प्रदेश दे देगा, क्योंकि जहाँ पर बात आई देश की तो वहाँ पर राज्यों के नाम भी दे सकता है। जैसे अभी पूछा पहला हिमतंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ, अब उत्तराखंड दे दिया, मध्य प्रदेश दे दिया, इस तरह से तो आसान हो गया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे राज्य का ही है, पर इस तरह से इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि एक तो हमारे राज्य का है और बाकी और राज्यों के नाम भी मिल जाए तो बिल्कुल आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। जनसंख्या दोस्तों आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठें उस एग्ज़ाम में जनसंख्या आएगी, ज़रूर आएगी, हो सकता है किसी बार ना आए, पर आए तो फिर 2-3 क्वेश्चन एक साथ भी दिखने को मिल सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। चमोली, देहरादून, ये कल भी आया था, अल्मोड़ा या फिर हरिद्वार। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या या फिर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरी उत्तराखंड की हरिद्वार में है, पुरुष में भी, पुरुष जनसंख्या तो पुरुष भी होंगे ही, तो हरिद्वार की है। उसके बाद आ जाता है हमारा देहरादून जनपद, उसके बाद आ जाता है हमारा जो उधम सिंह नगर जनपद है वो, तो इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, ये भी पूछा गया था, तो ये है 186 और 292, तो ये आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा गया था इस तरह से, एक दो बार तो ये पूछ लिया गया, क्या पता आए ना आए, पर अब इतना ये आपको याद रखना है। और 2011 के अनुसार दोस्तों जो तीन बड़े ज़िले हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, हरिद्वार है, देहरादून है और उधम सिंह नगर है। और एक क्वेश्चन जो ये भी बना था बीपीडीओ के एग्ज़ाम में कि लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है, उत्तराखंड जो भारत में किस स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर है 13वें स्थान पर है,
ये आपको याद रखना है। बाकी जनगणना से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सैम मुखेम मंदिर है किस तरह से। अब दोस्तों ये इसी तरह से है जैसे पूछा गया था कि बाणासुर क्या है, तो बाणासुर जैसे राक्षस है इस तरह से है। जैसे ये बसंत पंचमी जो अभी मनाते कुछ फरवरी में ही हुई थी, तो बसंत पंचमी किस देवी को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, तो सरस्वती। तो ये भी उसी तरह से है जैसे यहाँ पर है कि सैम मुखेम मंदिर है विष्णु का या देवी का या फिर शिव का या नागराजा का। तो दोस्तों ये हो जाएगा सैम मुखेम मंदिर नागराजा का और ये है टिहरी में, ये आप याद रखेंगे। जनपद भी पूछा जा सकता है, पर आप जनपद से ज़्यादा ये जनपद तो क्या पता आप तब थोड़ा बन रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ली जा रही है। अगला क्वेश्चन है मुगल शहजादा श्रीनगर गढ़वाल से आश्रय लिया था, श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था मुराद लक्ष्मी औरंगजेब सुलेमान सिको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुलेमान सिको, और उत्तराधिकार के युद्ध में भाग कर आ गया था। पहले आया था ये कुमाऊं में, फिर कुमाऊं में इसको शरण नहीं दी थी, फिर इसको जाना पड़ा कहाँ, कुमाऊं का राजा था उस समय, कुमाऊं का राजा उस समय होगा और औरंगजेब तो वहाँ था, कुमाऊं का था उस समय बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद ने शरण नहीं दी थी और पृथ्वीपति शाह ने इसको शरण दी थी मुगल शहजादा ये सुलेमान सिको को। और फिर उसके बाद लगभग 1658 की ये बात है, तो 1658 में हमारा कुमाऊं में भी बात करें तो जो है बाज बहादुर चंद है, बाज बहादुर चंद क्योंकि बाज बहादुर चंद 1638 से आ जाता है, तो बाज बहादुर चंद था उस समय। और जो पृथ्वीपति शाह था इसका पुत्र, पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र था इसका बेटा था जो, उसने उसका नाम था मेदिनी शाह। मेदिनी शाह ने और एक और था राम सिंह, उन दोनों ने मिलकर क्या किया, जो सुलेमान सिको है इसको इनको पकड़ कर सुलेमान सिको को दिल्ली दरबार में पेश कर दिया था औरंगजेब के सामने। फिर औरंगजेब ने बताया जाता है कि बहुत तड़पा तड़पा कर इस तरह से कुछ मारा था करके। तो अगला क्वेश्चन है, तो इसका सुलेमान सिको हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था, शिवानी का मूल नाम क्या था। लेखिका सॉरी लीलावती लिखा है यहाँ पर, लीलावती तो लेखिका तो है ये, लक्ष्मी सुमित्रा या फिर गौरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिवानी का मूल नाम था ये हो जाएगा गौरा, गौरा पंत शिवानी। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 1923 में, क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुका है प्रश्न 1923 में हुआ था, कहाँ हुआ था तो राजकोट में हुआ था, राजकोट गुजरात में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 20 कन्या 14 फेरे बहुत सारी इनकी रचनाएँ, तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है। गौरा देवी, माधो सिंह भंडारी, अगला ऑप्शन है सुंदर लाल बहुगुणा या फिर इंद्रमणि बडोनी। तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी केदार नृत्य से के भी माने जाते हैं, ये केदार नृत्य भी करते हैं। और इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1925 को, कहीं 24 भी मिलेगा कहीं 25 भी मिलेगा, कल भी आया था ये प्रश्न इससे संबंधित, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुंदर लाल बहुगुणा दोस्तों इनका जन्म हुआ था टिहरी में, इनका जन्म हुआ था टिहरी में 1927 में इनका जन्म हुआ था, और 1985 में इनको जो मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था ने वृक्ष मानव पुरस्कार दिया था, किसको, सुंदर लाल बहुगुणा को, यह आप याद रखेंगे। बाकी गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित रही हैं, चिपको वुमेन भी कहा जाता है इनको, और 1974 में जो चला था ये आंदोलन ये आप याद रखेंगे। और माधो सिंह भंडारी दोस्तों ये सेनापति थे पृथ्वीपति शाह और महीपति शाह इनके, तो बाकी फिर छोटा तुमुल युद्ध में ये शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है। अब दोस्तों ये चाहे एसआई का एग्जाम भी हो वहाँ भी आपको एक नंबर के लिए इस तरह से देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई हर्जा नहीं क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। हिरण, हाथी, कस्तूरी मृग या फिर ब्रह्म कमल। उत्तराखंड का राज्य पशु हो जाएगा दोस्तों कस्तूरी मृग, या फिर इस तरह से आएगा उत्तराखंड के राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम है, वो कुछ भी नहीं देगा कस्तूरी मृग यानी उत्तराखंड के राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम है, तो हो जाएगा दोस्तों क्या कास्को गास्टर। तो ये आप याद रखेंगे माइकस कास्को काइसोगास्टर, हाँ तो ये हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम। और बाकी जो ब्रह्म कमल है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्म कमल हमारा क्या है, राज्य पुष्प है, वृक्ष नहीं है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल हो जाएगा। और इसका नाम जो वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम आ जाता है एग्ज़ाम में,
सो सूर्या अब विलिटा, ये आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न आता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी ये है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क कितने जनपदों में है? ये वही क्वेश्चन कल भी आया था, पर अलग तरीके से पूछा गया था, क्योंकि आपको भी पता है कि 6 हमारे राष्ट्रीय उद्यान है और 7 जो है वन्यजीव अभयारण्य है, तो क्वेश्चन यहीं से बनना है, कहीं कुछ किसके नाम पर था, स्थापना कब हुई थी, कहाँ है, सुमेलित कीजिए, इस तरह से ही बनने हैं। 1, 3, 2, 5, तो ये दोस्तों 3 जनपदों में है। 3 जनपदों में कौन कौन से, मैप में आपने इधर देखा होगा देहरादून है, हरिद्वार हो गया इधर, और यहाँ आ गया पौड़ी, तो ये 3 जनपदों में फैला हुआ है। 820 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उनके नाम पर इसका नाम रखा गया, राजा जी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की लोक कल्पना के लिए प्रचलित शब्द है, ये यहाँ पर पूछा गया है, ऐपण, रंगोली, थापा या फिर ज्योति। अब दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर ये दो क्वेश्चन, क्योंकि ऐपण भी बोला जाता है और रंगोली भी वही है, ऐपण भी वही है और ऐपण, अल्पना, ऐपण, ये दोस्तों सभी एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन मेरे को एक ही जैसे लग रहे हैं, पर ये दोनों हो जाएंगे जहाँ तक है। अगर आयोग इस तरह के देता है तो शायद डिलीट भी क्वेश्चन हो सकता है। और लोक कल्पना वही है, लोक कल्पना ज्योति मात का चित्र होता है, एक ज्योति मात का चित्र, वो दोस्तों ये होता है देवी देवताओं से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित। और ये थापा, जैसे थापा जाति भी होती है तो थापा ये भी रहते हैं, और थापा चित्र होता है, एक थापा चित्र, ये दोस्तों ये होता है चावल पीसकर इसका बनाया जाता है, जब कोई शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य, तो उस समय ये थापा चित्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निकट ऐतिहासिक खगमरा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अब ये तो इसमें किसने किया था, फिर अगर चंदू के नाम देगा, भीष्मचंद, कल्याण चंद, रुद्रचंद, कोई और मान लेते बाज बहादुर चंद, तो यहाँ पर नाम नहीं दिया, पर किसने किया है, तो ये इसका उत्तर आ गया हमारा, चंदू ने किया है, अल्मोड़ा के निकट ऐतिहासिक खगमरा किला। अब क्योंकि दोस्तों जितने किले हैं अलग अलग परिभाषा कुछ भी बना के देख सकता है, अल्मोड़ा के निकट ऐतिहासिक किला, एक बार इस तरह से पूछा गया था कि दूसरा किला था वो अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित लाल मंडी किला का निर्माण किसने किया था, लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था, तो कल्याण चंद ने किया था, कल्याण चंद ने अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित। आयोग कुछ भी आगे से दे सकता है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट पकड़ना है। जैसे खगमरा किला है तो चंदू ने बनाया था, चंदू में किसने बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों भीष्म चंद ने ये बनाया था, और ये अल्मोड़ा में ही है, जहाँ पुलिस लाइन है उसके आसपास ही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बाकी जो लाल मंडी किला है, फोर्ट मायरा किला, अभी हाल ही में पूछा गया कि स्टेनो के पेपर में भी, जो पिथौरागढ़ का किला है जिसको लंदन पोर्ट अंग्रेजों ने नाम दिया था, पिथौरागढ़ किला, वो किसने बनाया था, इस तरह से आया था उसमें, तो गोरखाओं ने बनाया था वो, ये भी आप लोग याद रखेंगे, बाकी अंग्रेजों ने उसका नाम दिया था लंदन पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, हिल यात्रा लोक नृत्य का मुख्य पात्र कौन सा है? ये यहाँ पर पूछा गया, लख्याभूत और गौरा, शिव या फिर रणभूत। तो रणभूत कौथिक दोस्तों एक अलग चीज़ है, नृत्य होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हिल यात्रा, इसमें लख्याभूत होता है, नाट्य प्रमुख जो होता है ये इसमें होता है, और ये कहाँ मनाया जाता है, तो पिथौरागढ़ में। हिल यात्रा कहाँ, पिथौरागढ़ में, ये दोस्तों पिथौरागढ़ की जो सोर घाटी है, सोर घाटी, ब्यास घाटी, दारमा घाटी, जो इस तरह की घाटियाँ हैं ज़्यादातर ये पिथौरागढ़ में है, बाकी चमोली में भी बहुत सारी घाटियाँ हैं, निजमुला घाटी, बहुत सारी घाटियाँ हैं, और लख्याभूत इसमें होता है, ये आप याद रखेंगे, लख्याभूत मुख्य कलाकार होता है, और इसमें एक स्वांग नृत्य किया जाता है, ये पूछा जा सकता है कि स्वांग नृत्य इसमें जब किया जाता है, और ये जब अभी जैसे क्योंकि अभी धान रोपाई होगी तो कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी चल रहा है अप्रैल और मई जून के समय, जब धान रोपाई होगी जून जुलाई उस समय, तो उस समय ये किया जाता है धान रोपाई के समय, तो लख्याभूत ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वही रिपीट हो गया, बार बार वही आ रहा है, पर कोई ना, जितनी बार आप पढ़ेंगे, चाहे एक क्वेश्चन को आप 50 बार भी पढ़ लीजिए तब भी वो कम है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी एवं अलकनंदा, काली एवं टोंस, यमुना भागीरथी, ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी एवं भिलंगना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह है? ये दोस्तों कई बार बनाए प्रश्न, इंपोर्टेंट हो जाता है, उत्तरकाशी, नैनीताल या हरिद्वार या फिर पौड़ी,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपके मन में भी प्रश्न देखते ही सीधे उत्तर आने चाहिए 5 सेकंड के भीतर, और इससे आपका क्या होगा कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आप जब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको आ रहा है हाँ, तो इससे आपका आत्मविश्वास में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो आप इसलिए आपके मन में भी आना जरूरी है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जितना आप जान सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ और एक्स्ट्रा आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की। कहाँ स्थित है? उत्तर काशी में। तो ये आप याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न है, चमोली जिला का रैणी गांव किस आंदोलन हेतु प्रसिद्ध है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बना है, आगे भी बनता रहेगा। रवाई आंदोलन, डूंगी पतोली आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर मैती आंदोलन। तो रवाई आंदोलन अलग है, पहले इसका सही उत्तर बताता हूँ। रैणी गांव ये चमोली में, चिपको आंदोलन गोरा देवी, ये आप याद रखेंगे 1974। मैती आंदोलन के प्रवर्तक दोस्तों ये माने जाते हैं कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत पीछे से भी मैती लगाते हैं, कल्याण सिंह रावत। और ये चला था दोस्तों 1995 या फिर 96। अब UKSSC ने 1996 उत्तर दिया है, UKPSC ने 95 दिया है, जो ऑप्शन मिले उस हिसाब से आपको करना है। और डूंगी पतोली आंदोलन ये हुआ था दोस्तों, ये भी चमोली में ही हुआ था। और ये बांज वृक्ष, जो बांज वृक्ष होता है उसके काटे जाने के विरोध में ये हुआ था, ये हुआ था। बाकी आपको बताना है, एक चमोली में ही हुआ था झपटो छीनो आंदोलन, ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था झपटो छीनो आंदोलन? जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, बिल्कुल परीक्षा होने में भी आपको ये मिल जाएगा। बाकी रवाई आंदोलन, रवाई कांड 30 मई 1930 को। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को गढ़वाली में साठी कहा जाता है? ये दोस्तों और एग्जामों में तो कम, लेकिन पटवारी के एग्जाम में लगभग 3-4 क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे कि ये क्या कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। किस फसल को गढ़वाल में साठी कहा जाता है? मटर, गेहूँ और धान या फिर जौ। तो दोस्तों साठी जो कहा जाता है ये धान को कहा जाता है, गेहूँ को तो शायद ग्यों यही कहते होंगे, ग्यों ग्यों कुमाऊनी और गढ़वाली में दोनों में, पर मटर को जो है कलों कहा जाता है, मटर को कलों, और जौ को तो मुझे भी नहीं पता क्या कहा जाता है, अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। और पटवारी के पेपर में पूछा गया था कि लइया किसे कहते हैं, या लइया या दैण करके कुछ बना था, तो दैण वही सरसों को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 17वां प्रश्न, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? ये कई बार बनता है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1865 में, 1869 में, 1868 में, 1870 में। 1870 में हुई थी अल्मोड़ा में, भीमसेन जोशी और बुद्धि बल्लभ पंत ये बहुत से लोग थे अल्मोड़ा में। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना, फिर इसके बाद निकला था अल्मोड़ा अखबार इनके ही प्रयासों से, डिबेटिंग क्लब से के प्रयासों से। और अभी तक तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कई बार आ गया एग्जाम में, पर गढ़वाल डिबेटिंग क्लब, ये कुमाऊं डिबेटिंग क्लब, ये है गढ़वाल डिबेटिंग क्लब, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय, और खड़क सिंह नेगी ने इसकी स्थापना की थी, और बरेली में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है अभी 18 क्वेश्चन है, लगभग 35 हैं, तो लगभग 18 मिनट तक हो गए। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। अब दोस्तों ये परसों वाले पेपर में भी आया था, उसमें भी जब मैंने आपको वाला पेपर दिया था स्टेनो हाइक, उसमें आए थे राज्यों के नाम आए थे, उत्तराखंड, पंजाब, इस तरह से और ऑप्शन बने थे। तो इसमें भी बनाया चेन्नई, बेंगलोर, रुड़की, तो कई लोग बेंगलोर करेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, तो रुड़की में है, रुड़की में, ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। कब स्थापना? 1847 में, और 1854 में इसका नाम कर दिया गया था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। 1854 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसका नाम कर दिया गया था, और IIT का दर्जा दिया गया था 7वें नंबर का, ये पूछा भी जा सकता है किस क्रम का, 7वां, 5वां, 6वां इस तरह से, तो 7वें नंबर का IIT का दर्जा इसको दिया गया था। कब दिया गया था? 21 सितंबर 2001 को, 21 सितंबर 2001 को ये दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। अगला है, झोड़ा नृत्य को पिथौरागढ़ में कहा जाता है, चोचरी, ढुसका, भैनी या फिर खेल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है? अब ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पर्वत चोटियाँ हैं, एक ही पर्वत पूछ देगा, जलंग पर्वत कहाँ स्थित है, फिर कई लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो जलंग पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा बन गया। बाकी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा नंदा देवी, 7817,
नंदा देवी दो है, नंदा देवी पश्चिमी है, पूर्वी की 74-34 है। कामेट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भी 77-56 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दूनागिरी या द्रोणगिरी ये भी आपको देखने को मिल सकता है, दूनागिरी या द्रोणगिरी इसका नाम, ये 7066 है। त्रिशूल की ऊंचाई 71-40 त्रिशूल की ऊंचाई 71-20 और 71-40 है, ये है बद्रीनाथ की, 71-40 बद्रीनाथ की है, त्रिशूल की 71-20 एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये भी दोस्तों और एग्जामों में भी आया है, बहुत से एग्जामों में आया है, जो UPSC ने भी कराए थे उसमें भी आया हुआ है, अभी स्टेनो वाले में भी इसमें भी आया है, व्यक्तिक सहायक में। और व्यक्तिक सहायक की बात करें तो पेपर अच्छा खासा लेवल का, जो BDO BPDO का है उसी लेवल का वो एग्ज़ाम था और उसमें भी आया था। और आपको भली बात ही पता है उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 नवंबर को, क्यों जिस दिन स्थापना हुई है उस दिन स्थापना मनाएंगे, 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, तो हमारे राज्य की, देश के 27वें राज्य के रूप में। और तो स्थापना दिवस 9 नवंबर को, जैसे हमारा जन्मदिन मनाया जाता है तो जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं उसी तरह से। अगला क्वेश्चन है, नवाघाट स्थित है हरिद्वार में, देहरादून में, कोटद्वार में या फिर ऋषिकेश में, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऋषिकेश में, ये आप याद रखेंगे, नवाघाट जो है ऋषिकेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल अकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोस्तों कई बार बनाया है, और अभी कुछ दिन पहले मैंने आर्मी GD का पेपर दिया था उसमें भी ये पूछा गया था कि नेशनल अकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है, आर्मी GD में भी बना था, और हमारे जो पुराने एग्ज़ाम है UKPSC या UKSSC ने जो एग्ज़ाम कराया था वहाँ भी पूछा ही गया है, व्यक्तिक सहायक में भी आया हुआ है और एग्ज़ाम में भी बना ही बना है। तो यह है दोस्तों, अब देहरादून मसूरी दोनों है तो हम मसूरी करेंगे, जैसे कुछ चीज़ जैसे अल्मोड़ा में है और जैसे चीज़ रानीखेत में, अल्मोड़ा और रानीखेत दोनों हैं, और वो चीज़ जैसे कुछ भी कर लेते हैं जो रानीखेत के, जैसे कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर या वो तो खैर रानीखेत ही करेंगे, जैसे फल उद्यान जो है, फलो उद्यान चौबटिया में है, तो वो जैसे रानीखेत, जो चीज़ रानीखेत में ही है तो उसको वहाँ की जगह ही करेंगे, पर हम जैसे मसूरी और देहरादून दोनों हैं तो हम मसूरी को ही करेंगे। और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1959 को, 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, और जो IAS बनते हैं उनकी यहाँ ट्रेनिंग होती है, और ये हमारे मसूरी में ही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, विजय लक्ष्मी पंडित, CR दास, कमला नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू, CR दास, चितरंजन दास, दून स्कूल। अब दून स्कूल है तो दोस्तों दून ये होगा देहरादून में ही, और ये आपको करना है क्योंकि दून देहरादून को ही कहा जाता है, सबसे बड़ा दून देहरादून है, और CR दास ने इसकी स्थापना की थी 1935 में, और इसको माना जाता है कि ये देश का यानी कि भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है, कौन सा, CR दास। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर वही गौरादेवी से संबंधित प्रश्न आ गया है, पर चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरादेवी का जन्म हुआ था, इस बार इनका जन्म पूछ लिया गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, लाता गाँव में, माड़ा गाँव में, छिनकी गाँव में, नाकुरी गाँव में। अब नाकुरी गांव दोस्तों ये बचेंद्री पाल का जन्म हुआ था, बचेंद्री पाल वही हमारी जो पर्वतारोहण है, बचेंद्री पाल इनका जन्म हुआ था नाकुरी गांव, ये पड़ता है उत्तरकाशी में, इनका जन्म हुआ था, गौरा देवी का जन्म हुआ था लाता गांव में, ये चमोली में है, और इनका जन्म हुआ था तो इनका एक हुआ मायका लाता गाँव, और ससुराल जो हो गया जहाँ से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, रैणी गाँव से, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गौचर मेला कब आरंभ हुआ था, ये भी दोस्तों कई बार बना है, ये किसके द्वारा, किस कमिश्नर के द्वारा, इस तरह से भी बना है, 1930 1961 1943 1951, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1943 में, गौचर चमोली में, गौचर हवाई पट्टी भी है, और गौचर कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा कई बार ये प्रश्न बना है किसके द्वारा शुरुआत की गई, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, और ये भी आता है कि 1943, तो ये ठीक है, इस तरह से आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू होने वाला गौचर मेला कहाँ लगता है, जिसकी शुरुआत 1943 के आसपास हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर यानी कि 14 नवंबर को ये लगता है, 14 नवंबर को जलजेबी में भी लगता है, तो और भी मेले लगते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, गौचर मेला 1943 चमोली। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी कब स्थापित की गई, अभी दोस्तों
वीडियो का पेपर हुआ था जो उसमें भी अलग तरीके से पूछा गया था, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद, कुछ इस तरह से लंबी चौड़ी परिभाषा। पर इसका उत्तर सिर्फ इतना ही था कि 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी स्थापना कब हुई थी, तो श्रीनगर से टिहरी गई थी, श्रीनगर से टिहरी, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 दिसंबर 1815 को। ये आप याद रखेंगे, किसके द्वारा? महाराजा सुदर्शन शाह के द्वारा, सुदर्शन शाह के द्वारा स्थापना की गई थी। लंबी कहानी है, इसका इतिहास पड़ा है, वो हम बाद में जानेंगे। और इसका सही उत्तर ये 28 दिसंबर 1815, और टिहरी राज्य स्थापना दिवस को रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बूट चौलाधारी सूर्य मंदिर है, तो लगभग दोस्तों 35 तक है, लगभग 30 मिनट तक की ये वीडियो होने जा रही है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आप निश्चित रूप से कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आता है तो। अगर आप नए हैं तो दोस्तों बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन, कभी कभी दोस्तों आज जो मैंने दिन में वीडियो दी थी उसका भी नोटिफिकेशन नहीं दिया था यूट्यूब ने, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं देता है यूट्यूब, और कभी कभी देता है, तो इसलिए जो है कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और ये सीरीज हमारी जो ये वीडियो है हर रोज़ आती है। पूर्ण चौलाधारी सूर्य मंदिर किस जनपद में, ये पूछा गया है, श्रीनगर और नैनीताल है, चमोली है, अल्मोड़ा है, तो ये है अल्मोड़ा में। कटारमल मंदिर किस देवता को समर्पित है, सूर्य विष्णु, इस तरह से सूर्य को, कई बहुत सादा प्रश्न बन जाते हैं यहीं से, तो कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, कोसी नदी के तट पर है, और यहाँ से बहुत नज़दीक में ही है, 10-15 किलोमीटर में कोसी यहीं पर है और अल्मोड़ा में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कई बार बनता है प्रश्न। बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है इसको, बड़ादित्य सूर्य मंदिर, और उत्तराखंड शैली में है, और कटारमल ने इसकी स्थापना की, तो कटारमल सूर्य मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन है, झाल वीणाई दमामो मुरियो क्या है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल की नदियाँ, लद्दाख की पहाड़ी चोटियाँ, कुमाऊँ के वाद्य यंत्र, गब गढ़वाल के मंदिर, अब बताओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊँ के वाद्य यंत्र, बिल्कुल आसान है दोस्तों, आपने भी इसका सही उत्तर चुन लिया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या था? और दोस्तों इनकी बटालियन का नाम क्या था, किस बटालियन से संबंधित थे, तो किस कुमाऊं से संबंधित है, ये भी एग्जाम में आ चुका है और UKPSC ने पूछा था समीक्षा अधिकारी के पेपर में। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सहतार सिंह, मेजर गब्बर और मेजर सौरभ सिंह कालिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा, और इसी भर्ती में दोस्तों इसी ग्राउंड में मेजर सोमनाथ जो रानीखेत का ग्राउंड है इन्हीं के नाम पर है, यहीं 4 चक्कर आपको पूरे करने होते हैं, 1600 मीटर दौड़ लगानी होती है जो लोग आर्मी में जाते हैं, और ये चार कुमाऊँ बटालियन से संबंधित थे, कौन, मेजर सोमनाथ शर्मा, चार कुमाऊँ से, ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये भी पूछ लिया गया था। गब्बर सिंह ये विक्टोरिया क्रॉस इनको दिया गया है, क्योंकि परमवीर चक्र विजेता हो जाएंगे मेजर सोमनाथ शर्मा, और विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था इनको मेजर गब्बर सिंह को, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, और मेजर शैतान सिंह को भी दिया गया था परमवीर चक्र, और ये कब दिया गया था, 1962 में, और 1962 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो भारत चीन हुआ था, ये आपको भली भांति पता है। फिर उसके बाद ITBP का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को ITBP का गठन हुआ था, तो उस समय और मेजर शैतान सिंह को दिया गया था, ये भी याद रखना मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम परमवीर चक्र विजेता, तो मेजर सोमनाथ शर्मा, चार कुमाऊँ बटालियन से संबंधित हैं, क्योंकि कई लोग इतने में ही भूल गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, ऋषिकेश हरिद्वार रोड पर, देहरादून हरिद्वार रोड पर, देहरादून जनपद में, या फिर हरिद्वार जिले में। अब दोस्तों इसमें से तो अब देहरादून हरिद्वार रोड देहरादून, तो देहरादून ही कर लेते हैं, देहरादून जनपद में हरिद्वार जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, अब इसका नाम बदलकर अटल जी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये नाम बदल दिया गया है, क्योंकि अटल जी के नाम पर रखा गया है इसका नाम, तो आप याद रखेंगे क्योंकि ये पुराना है, तो पुराना क्वेश्चन, तो अटल बिहारी इनके नाम पर रखा गया है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
और नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में, गौचर अभी आया था चमोली में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक पलायन करने वाला जिला है, और यहीं से दोस्तों ज्ञात इतिहास में हमारे राज्य के, क्योंकि ज्ञात इतिहास में हमारे राज्य के इतने अभी जो सीएम बने हैं वो भी इसी जनपद से हैं। यह हमारे जो ज्ञात इतिहास की बात करें 2000 के बाद के सबसे ज़्यादा सीएम यहीं से बने, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी से। जो अभी तीरथ सिंह रावत हैं, ये भी इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत TSR वो भी हैं, बाकी सतपाल महाराज और भी जितने भी जो पहले तक रहे सबसे ज़्यादा सीएम यहीं से बने हैं। पलायन भी सबसे ज़्यादा यहीं से हुआ है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो पलायन के मामले में वो है हमारा अल्मोड़ा, उसके बाद अल्मोड़ा से हुआ है। और उत्तराखंड पलायन आयोग का जो मुख्यालय वो भी पौड़ी में ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पलायन यहीं से हुआ है तो मुख्यालय भी यहीं है उत्तराखंड पलायन आयोग का, पौड़ी में। ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य खेल है, अभी भी आएगा प्रश्न, बिल्कुल आएगा। इस तरह से नहीं आएगा तो क्योंकि उत्तराखंड का राज्य खेल को कब घोषित किया गया था ये जरूर आएगा। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल यहाँ पर ऑप्शन है नहीं तो डी करेंगे हम, फुटबॉल हो जाएगा। और कब किया गया था, 2011 में घोषित किया गया था, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन हमारे होने जा रहे हैं। निम्न में से 2018 में पद्मश्री सम्मान मिला है, अनिल जोशी वही हमारे जो हिस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी, और अनिल दसमाना, पंकज सिमाल या विक्रम चंद्र ठाकुर। अब आपको इन दो ऑप्शनों से लग रहा होगा कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विक्रम चंद्र ठाकुर, 2018 में इनको पद्मश्री मिला था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ट्यूलिप फूल गार्डन किस जनपद में बनाया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है उत्तराखंड के किस जनपद में। ये शायद भारत का ही है, पिथौरागढ़, और हाँ भारत का ही है, देहरादून या फिर पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ में है। भारत का जो ट्यूलिप गार्डन है पिथौरागढ़ में ये बन रहा है, भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन ये पिथौरागढ़ में, और हमारे राज्य में ये बन रहा है तो पिथौरागढ़, ये आप याद रखेंगे। और भारत का पहला लाइकेन पार्क आएगा या उत्तराखंड का, तो भारत का है तो फिर उत्तराखंड का भी हो ही जाएगा, तो लाइकेन पार्क ये भी पिथौरागढ़ में बन रहा है। अभी एग्जाम में पूछा गया कि हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र, अब राज्यों के नाम दिए थे तो राज्यों के नाम में तो उत्तराखंड, और आपको याद रखना कि उत्तरकाशी, हिमतेंदुआ भारत का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में, और भारत का पहला मास गार्डन ये बन रहा है कहाँ, NTL नैनीताल में, ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, बाकी हमने पूरे 35 क्वेश्चन देखे और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी बताया। चाहते जाते हो दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक आप निश्चित रूप से कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, अपना ध्यान रखिएगा, बाकी मिलेंगे कल को एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।